सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे मित्रों को जिन्होंने ये इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया. पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मुझे लगता है एक भाग होगा इसका, इस प्लेटफॉर्म का, बिकॉज ये बात जो है वो देश की जीत की है, बात पॉलिटिक्स की जीत की नहीं है. देश अलग अलग विभागों में जीतता है, अलग अलग तरीके से जीतता है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो सकता है, किसी चीज़ के. तो क्या एक आम आदमी की प्रक्रिया जानना और उसको व्यक्त करने का एक तरीका जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. इट्स अ गुड प्लेस जहाँ पे एक इंटरैक्टिव सेशन हो सकता है, आगे तक बातें जा सकती हैं, लोगों को समझ में आएगा. और मान लो मुझे कोई अपनी बात कहनी नहीं है तो भी मैं प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझे पता चल सकता है कि क्या रुख लिया जा रहा है. इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है कि बहुत आगे तक बढ़ेगा. सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, अभी पॉलिटिक्स हॉट टॉपिक हो सकता है, बट आई एम श्योर कि चार चीज़ें और आएंगी, वो भी आएंगी इसमें. मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कोऑपरेटिव है, वो दिख भी रहा है, बिकॉज हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो परेश जी कर ही रहे हैं वहाँ पे. फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से परेश जी भी हैं, किरण जी भी हैं, एंड काफ़ी रिप्रेजेंटेशन होता है और बातचीत होती है. और आज GST को लेकर के भी उन्होंने GST टिकट के एंट्रीज में कम की हुई है, लोगों को सुविधाएँ मिलती हैं, फ़र्क पड़ता ही है. पर मुझे एक बात बताओ कि ये कब नहीं था. Everybody have, you know, some people have become more vocal now. Point is that, you know, there have been political alienations all along. Some people have been pro Congress, some have been pro BJP, somebody has been pro something else. Like Arvind Ji has got his representation within the industry also for a long time. As in, there's a lot of people who are also supporting up. But yet, you know what happens is in Bollywood, when we work together, political alienations become secondary. The primary thing is always the talent that happens. So it doesn't matter. I mean, they can have their affiliations to whoever they want to. Eventually, it is the trade that should benefit. There have been political films even before. I mean, you're talking about Bollywood. If you look at South, there are so many political films that are happening. Fair enough. So, I mean, of the various kinds of films that are available, political, I mean, and why not? They have their own opinion to say, and they are trying to portray their own opinion in their own way that they can. It doesn't matter. The cigarette factory globally, the tobacco cartel, did a surrogate advertising of their own when they started making films in Hollywood. They said, no, brand is not important. Just show the protagonist or the antagonist smoking. Doesn't matter. So subconsciously, the advertising of cigarettes started happening. That is their way of using the medium. Everybody uses their medium their own way. Some people make films in the way that they want to or they want to speak about it. They have their own way to do it. Doesn't matter. There are other people also who are actually doing apolitical films. It's a strong medium, people are using it. नौजवान के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है और एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग की वजह से काफ़ी कुछ नया पूरे देश को मिलेगा. और जो मोदी जी ने 5 साल में काम किया है उसका एक पूरा क्लियरिटी सामने आएगा. मोदी जी ने जो काम किया है वो पब्लिक में अब आ रहा है सामने, और करीब उनको और 5 साल चाहिए जिससे कि वो पूरा क्लियरिटी सामने आ सके पब्लिक में. देश की जीत के लिए इसीलिए इनका वसीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं और इसी से क्लियरिटी आएगी. तो दोस्तों, आज हम एक जंग की शुरुआत कर रहे हैं और ये जंग न तलवार की धार से होगी और न बंदूक की नोक पर होगी. ये जंग हम लड़ेंगे एक ऐसे कलम से जो आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है, और वो है इंटरनेट. और इस जंग में ना हम जात की बात करेंगे, ना पात की बात करेंगे. इस जंग में ना हिंदू मुसलमान की बात करेंगे. इस जंग में ना गरीब और अमीर की बात करेंगे. इस जंग में हम बात करेंगे सिर्फ अपने देश की जीत की. और जो भी देश को जिताने का काम कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, और जो भी देश की जीत में अपनी टांग अड़ा रहा है उसको नीचे खींचने के लिए देश की जीत ने कसम खा रखी है. ये सब कुछ हम लोग करेंगे deshkijeet.com पे. अभी क्योंकि पॉलिटिकल सीज़न है, देश में इलेक्शन आ रहा है, और सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, किसकी जीत में है देश की जीत, मोदी जी की जीत में देश की जीत है या फिर राहुल जी की जीत में देश की जीत है. सवाल ये है कि कौन देश के लिए अच्छा करेगा. ये प्लेटफॉर्म deshkijeet.com हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर यूज़र्स आएंगे और अपना वोट देंगे,
दिस इज द मोस्ट बायस प्लेटफॉर्म. कोई चैनल मोदी जी की बात कर रहा है, कोई चैनल राहुल जी की बात कर रहा है, मगर देश की जीत डॉट कॉम सिर्फ बात करेगा देश की जीत की. और वोटिंग सबके सामने है, जो देश की जनता फैसला करेगी वो सबके सामने होगा. इसमें कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ऐसा कुछ नहीं है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब आके वोट करके लोकसभा इलेक्शन से पहले ही सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना मैसेज पहुँचाएंगे कि पूरा देश, देशवासी किसके साथ खड़े हैं और देशवासियों को क्या लगता है किसकी जीत में है देश की जीत. कोई भी इंडिविजुअल इस वेबसाइट पे एक ही बार वोट कर सकता है. वेबसाइट फुली सिक्योर्ड, रिस्ट्रिक्टेड है. एक इंडिविजुअल मल्टीपल वोट्स नहीं कर सकता. सो वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड द वोटिंग इज नॉट बायस्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. इट्स ओनली अबाउट द विनिंग ऑफ द नेशन, क्योंकि देश की जीत हम सबकी जीत है. का जो आइडिया था वो हम लोग ने जो शुरू किया है, ये वसीम भाई और हम लोग सारे लोग ने इंकिंग आइडिया में जो हम सब एक साथ में काम करते हैं, तो ये एक इनिशिएटिव है इंकिंग आइडिया का जो कि हमने शुरू किया है देश की जीत. सो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी यूथ है, जो भी ये पॉलिटिकल जो भी इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल इश्यूज़, अगर वो शेयर करना चाहे तो भी वो हम ये प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है. और हमारे व्यू में यह है कि अगर हमारा सिस्टम और हमारा जो भी प्रोसेसेस हैं, गवर्नमेंट प्रोसेस होते हैं या जो भी सिस्टम्स हैं या एजुकेशन सिस्टम्स हैं, उसको अगर उसमें चेंजेस होता है तो जो भी सिस्टम प्रॉपर हो जाते हैं तो उसमें हमारी देश की जीत होगी. देखिए, जैसे इन सब ने बताया ऑब्वियसली कि देश की जीत का क्या लॉजिक है और क्या मतलब है. मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि देश की जीत सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करेंगे. अगर लड़कियां हमारी इंडिया में सेफ नहीं है तब ऐसे देश की जीत नहीं होगी. तो ऐसे और भी कुछ मुद्दे होंगे जिस पे हम बात करेंगे कि देश की जीत कैसे होगी और अभी देश की जीत क्यों नहीं हो रही है. तो इसलिए हम सब ने ये मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सो दैट कि हम सारे मुद्दों पे बात कर सकें. और सवाल यह है कि ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमने एक दो दिन में तैयार करके खड़ा कर दिया है. सालों की मेहनत थी, बहुत साल से डोमेन बुक कर रखा था, बहुत साल से इस बारे में विचार किया जा रहा था, सही टाइम का इंतज़ार किया जा रहा था और आज ये वेबसाइट लॉन्च हुई है. और मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान के हर उस इंसान से जिसके दिल में जो है वो देशभक्ति भरी है कि वो इस वेबसाइट पे आए और हमारा साथ दे और लोगों को बताए कि वाकई में कौन जो है वो देश को जिता रहा है, किसकी जीत में देश की जीत है. अगेन मैं कहना चाहूँगा, आप वेबसाइट पर जाइए www.deshkijeet.com, अपना वोट दीजिए. जिस तरीके से आप अपना वोट देते हैं इलेक्शन में उंगली पे निशान लगा के, एक एक आदमी एक वोट दे सकता है. इसी तरीके से हमारी वेबसाइट पे भी सिर्फ एक आदमी एक वोट दे सकता है. और अगर किसी को वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी पे कोई शक हो वो हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकता है. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, दिस इज़ फॉर देश की जीत. ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है उसके लिए वसीम साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है ताकि लोग जाकर के अपना चॉइस वहाँ पर बता सकें और लोगों को अपना राय रखने का उन्होंने एक मौका दिया, इसलिए उनको बहुत मुबारकबाद. देखिए, देश की जीत तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही है और मोदी जी की जीत में ही देश की जीत है. पिछले पौने पाँच सालों में, लगभग पाँच साल होने को आ गए हैं, मोदी जी ने जो काम किया है देश नहीं पूरी दुनिया में, भारत का नाम जो है उन्होंने रोशन किया है. हर देश में जाकर के उन्होंने, पहले जो हमारा सम्मान था धीरे धीरे कम होता जा रहा था. अगर आप विदेशों में गए हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा अगर गल्फ कंट्री में हम जाते थे तो पहले भारतवासियों को बहुत अलग नज़र से लोग देखते थे, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, सिर्फ गल्फ कंट्री नहीं बल्कि यूएस जैसी कंट्री भी मोदी जी को और इस देश को मानने लगा है, सैल्यूट करने लगा है. और वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन करके इस देश को दुनिया में नंबर वन बनाएंगे. देश के मामले में फिर अलग अलग पार्टी नहीं होती, वहाँ हम सब भारतीय होते हैं, वहाँ सब हम हिंदुस्तानी होते हैं. इसलिए जब देश का मामला है तो सबको मिलजुल करके उसमें जो सरकार रहती है उसको मदद करनी चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए. हमारे प्रवक्ता है मुंबई के योगेश वर्मा जी, उनसे भी सवाल करें वो बेहतर जवाब दे पाएंगे. प्रियंका गांधी भी आ चुकी है मैदान में, लगता है कुछ फर्क पड़ेगा उससे? देखिए,
ऐसा है कि सबको राजनीति करने का हक है और अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रियंका को ला करके ट्राई कर ले। राहुल जी तो पूरी तरीके से पिटे हुए हैं, तो प्रियंका को आगे करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के सामने मैं कहूंगा कि इनकी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है कि उनकी बराबरी करें। देखिए जनका 5 रन जीत चुके हैं। अभी आपके जो ये वेबसाइट लॉन्च है, एक दो दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि देश कौन जीत रहा है और अगली सरकार किसकी बनेगी। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी वाले ही नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस का कोई नेता यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे दोनों को वो छुपाते भाग रहे हैं, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो आएंगे क्या और आपको इस सामने बात क्या करेंगे। हमने 5 सालों में काम किया है, देश के लिए काम किया है, लोगों के विकास के लिए काम किया है, इसलिए हम जनता के सामने जा रहे हैं, मीडिया के सामने जा रहे हैं और हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो हमको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है, देखिए ऐसा है कि देश की जनता तय करेगी कि पीएम का दावेदार कौन है और अगला पीएम कौन है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के लिए जो होड़ लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हटा करके दरी बिछा देना चाहिए और सबको उस पर मौका देना चाहिए बैठने का। अभी कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, वो CBI पे सवाल खड़ा करते हैं, और तो और वो मिलिट्री द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका नेता ही मंद बुद्धि हो और जिसका नेता की कैटेगरी क्या है, यानी लोग एक और जिस जो सुबह से हंसता नहीं है वो एक ना एक वीडियो देख लेता है ऐसे नेता का, तो ऐसे नेता की जो पार्टी है तो उसके दिमाग में इसी टाइप के सवाल आएंगे ना। कल तो आप कैमरा लेके खड़े हैं और यहाँ पर कोई कांग्रेस वाला आ जाता तो क्या बोलता, आपका कैमरा बताओ ये सच्चा है कि झूठा है। तो ये कोई बात है, ये इसको अब क्या बोलेंगे, इसको मंद बुद्धि बोलेंगे ना। हम लोग तो देखते रहते दिन भर व्हाट्सएप पे, तो इस किस्म के सवाल करने वाले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये देश का चुनाव बहुत सीरियस विषय है, देश की आपके मेरे आने वाली पीढ़ियों के इससे हम सब बंधे हुए हैं, इतना सीरियस विषय है। आपके पास तो लोगों के बीच पहुंचने का माध्यम है, आप लोग सच्चाई और झूठ का आईना हो, और इस किस्म का झूठ और कैमरे के सामने भी चलने लग जाएगा तो उस वक्त ये देश कहाँ जाएगा। सबसे पहले देश की आंख अगर कोई है तो आप लोग, आप लोग सबसे पहले जज हो, क्योंकि आप हर वो इंसिडेंट्स, हर वो चीज के साक्षी सबसे पहले आप हो। तो मुझे लगता है कि ये जैसा अभी इन्होंने कहा कि प्रियंका जी आ गई, तो ये देश क्या राजा राजकुमारों का है क्या? ये देश में टैलेंट बोलेगा ना, आप देखेंगे वो कितने टैलेंट के कार्यक्रम आते हैं शाम को, एक एक गरीब गरीब घरों से, इस देश के ऐसे ऐसे गांव से जिसका आपने मैंने नाम नहीं सुना, वहां के छोटे छोटे बच्चे, 4-4 साल के बच्चे जब स्टेज पे आते हैं ना, बड़े बड़े स्टार खड़े हो जाते, कुर्सी पर खड़े हो जाते। अब क्या बात करते हैं, देश टैलेंट का देश है, ये देश भगवान के आशीर्वाद का देश है। यहां पर हमने फकीरों की पूजा करते हैं, फकीरों की पूजा इसलिए नहीं करते कि वो फकीर है, इसलिए पूजा करते हैं कि उस फकीरत में भी एक टैलेंट है, वो देश को कुछ देना चाहता है। ऐसे टैलेंट के देश में इसकी बहन जी आ गई, इसका भाई आ गया, इसकी बुआ आ गई, इसका मामा आ गया, ये कितनी, हम कितना सीरियस विषय को हम इसको स्पिन कर रहे हैं, जिसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, जिसका नुकसान हमारे भारत देश को होगा, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस बॉर्डर पे 20-20 साल के बच्चे -40 डिग्री में बंदूक लेकर के और एक आंख बंद करके टारगेट के ऊपर देख रहे हैं, क्या उनका बिजनेस है क्या इस देश को बचाने का? क्या हमारा कोई बिजनेस नहीं है इस देश को बचाने, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्या हम लोग सीरियस नहीं है, क्या हम लोग मजाक कर रहे हैं, क्या उनकी जो शहादत है सिर्फ इस पे रोने के लिए हम बैठे हैं? जितना उनका फर्ज है ना उन बच्चों को बचाना, यह हमारा फर्ज है। अच्छी सरकार आएगी तो उनके पास में अच्छे वेपन आएंगे, बुरी सरकार आएगी तो ऐसा मिग उन बच्चों के हाथों में दे देंगे कि देश के लिए जमीन से आसमान पे उड़ेंगे, लेकिन बगैर युद्ध के वहां विस्फोट का और गोला बन जाएंगे और बेचारा हमारा वो बच्चा शहीद हो जाएगा। ये बहुत सीरियस विषय है, ऐसे सीरियस विषय पे मुझे लगता हर व्यक्ति
इसमें सीरियसली इन्वॉल्व है और पूरा देश इसमें सीरियसली इन्वॉल्व है। एक और पूरे घोटाले और शैतानियत आपने देखा होगा अभी दो दिन पहले कि पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री बैठ गए उसके दरवाजे पर, और पुलिस कमिश्नर ने ऐसा कौन सा दांडी मार्च करके आया था जो एक मुख्यमंत्री बचाने बैठ गई। 40 लाख लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, 40,000 करोड़ रुपए का इस देश का रिकॉर्ड सबसे बड़ा घोटाला, सारदा, नारदा, रोज वैली, इन सारे घोटालेबाजों को बचाने का काम जिस पुलिस कमिश्नर ने किया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी हुई सीबीआई की टीम जब उससे जांच करने के लिए उसके यहां पहुंचती है, उसके यहां क्यों पहुंचती है, क्योंकि वो तीन तीन समन देने के बावजूद सीबीआई के ऑफिस में नहीं आता है, और जब सीबीआई टीम उसके यहां पहुंचती है उसकी जांच करने के लिए तो सीबीआई की टीम को उठा करके पुलिस बंद कर देती है अपराधियों की तरह, और मुख्यमंत्री उस पुलिस, जहां मुख्यमंत्री को 40 लाख इन्वेस्टर्स के पैसे की रक्षा करनी चाहिए, वो इस घोटालेबाज की रक्षा करने के लिए बैठ जाती है, धरना देती है। ये भयानक 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 कांड है। आपको और मेरे को आंख खोल के बैठना पड़ेगा। आप सब लोग इतनी मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, आने वाले दिनों में कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको पता लगेगा कि आपका पैसा डिफरेंट डिफरेंट रूट से मॉरिशस और दुबई चला गया, और आपने जिस फर्म में इन्वेस्ट किया वो सारा पैसा डूब गया। साहब, आत्महत्या, हजारों आत्महत्या हुई है वेस्ट बंगाल में। ये देश और राजनीति मुझे लगता है सबसे सीरियस विषय है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब चीजों में अगर कोई एक व्यक्ति इस सारे राजनीतिक मंथन से होकर के बाहर निकला है और जिसने फ्लाइंग कलर्स से अपने आप को प्रूव किया है, वो एक ही व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और वो ही इस देश को के ऊपर, वो देश पे राज नहीं कर रहा है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। जब सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बारे में कुछ बोल देता है तो आप देखो उसके सामने क्या परिणाम निकलता है। उसको अपना ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बंद करना पड़ता है। आम जनता के दिलों पे राज करने वाला व्यक्ति इस देश पर राज करना चाहिए। क्योंकि जो पिछले दिनों चुनाव हुए 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद से कांग्रेसियों का कहना है कि मोदी लहर खत्म हो रही है, इस पर क्या? देखो, ये तो कांग्रेसियों की खुशफहमी, अभी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ये तो कभी कभी ये सब हमारी सरकारें, 4-4, 5-5 बार की सरकारें थी, कभी कभी लोग उसको ट्विस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। आपने देखा होगा उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नोटा की वजह से ये सारी कांग्रेस की सरकारें और बनी है, जो बहुत ही टेम्पररी है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगी। देखो, काला धन भी नहीं आया। मैं कहता हूँ जब तक वो 15 लाख नहीं आए तब तक आप मोदी जी को जिताते रहो। ये तो मैं फिर वापस वही बात कह रहा हूँ कि ये देश कहावतों का देश है, और हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके साथ में एक नए कहावत लगा लेते हैं। कभी हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं, कभी किसी का एग्जाम्पल देते हैं, तो इस किस्म का किसी एग्जाम्पल को पकड़ के इतने अच्छे किए हुए कामों के ऊपर अपन टीका टिप्पणी, मुझे लगता है एक वो विषय है, वो सिर्फ कांग्रेस जी तक ही रहने तो उन्हीं को चाहिए वो 15 लाख। सर, इसमें जीएसटी की बात करें, जीएसटी नोटबंदी काफी बात है। ठीक है ना, जो भी देश के लिए जरूरी था। आपको शायद बताऊं, बैंकों में इस देश में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की एक्सेस करेंसी, जिसको पैरेलल करेंसी बोलते हैं, नकली नोट, जाली नोट इस देश में घूम रहे थे, और ये पूरा का पूरा पैसा इस देश को तबाह बर्बाद करने के कामों में आता। सारे स्टेट्स के अंदर जितने भी छुपे हुए माओवादी हैं, नक्सलाइट्स हैं, छोटे छोटे ऐसे संगठन जो इस देश के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों के पास इस पैसे को पहुंचने की पूरी संभावनाएं थी। आपको शायद पता होगा, ये तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो हमारा मंदबुद्धि विपक्ष है उसके दिमाग की उपज है। मोदी जी ने जब यह फैसला लिया तो 8 नवंबर के दिन पहले तीनों सेनाओं को कॉन्फिडेंस में लिया, और तीन सेना के अंग ने मोदी जी को कहा यह करने के लिए। अगर किसी ने उस दिन को अगर ध्यान से देखा होगा तो एक और कैबिनेट के लोग सारे बैठे थे, उससे पहले इस देश के तीनों सेना के प्रमुख बैठे थे, उनके साथ चर्चा करके मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि सेना को जिस चीज में देश का हित लगा, क्या वो देश का अहित हो सकता है क्या? इस नोटबंदी की वजह से आपने देखा होगा कि पहले लोगों को आदत ही नहीं थी कि हम कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करें। देश की जब कोई इकोनॉमी चीजों को सेट करते हैं
तो डेटा तो होना चाहिए कि कितने लोग बिजनेस में है, कितने लोग जॉब में है। इस तरह का बड़े पैमाने पर कैश का अगर सर्कुलेशन होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस देश में असली डेटा क्या है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज देश के लिए बहुत जरूरी था। और आपने देखा, अगर उस वक्त अगर लोगों को पसंद नहीं आता ना, तो इस देश में इतने बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, लेकिन देखो एक भी किसी ने भी एक पत्थर भी नहीं फेंका। मैं तो आपको एक बहुत किस्सा, मुझे लगता है कि पत्थरबाजी रुक गई, कश्मीर की पत्थरबाजी रुक गई। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। जब ये नोटबंदी का चल रहा था और बैंकों के अंदर लाइन लग रही थी, भीड़ लग रही थी, तो मैंने ही एक ऐसी बैंक की शाखा के सामने एक चाय का और बिस्किट का स्टॉल लगाया, तो एक लड़की आई और उसके पिता को साथ में लेकर के, बस बहुत थोड़ी सी रोशनी उसकी एक आंख में रही होगी, और उसने कहा कि चार दिन के बाद उस बच्ची की शादी थी। वो खुद बेचारी 10 साल से काम करके उसने अपने पैसे इकट्ठे करके बैंक में डाले थे और वो पैसे वो निकाल नहीं पा रही थी, और कुछ ही दिनों के बाद शादी थी, और अपने बाप को ऐसे हाथ से पकड़ के वो यहाँ से वहाँ ले जा रही थी। तो उसने हमको कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। बहुत भाग दौड़ की हमने, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि जो कुछ ही पैसा उन लोगों को मिल पा रहा था, तो किसी ने, एक जन ने उस लड़की को कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ। लड़की ने तुरंत उसको रोक दिया कि नहीं, मोदी जी ने जो किया है ये देश के हित में किया है। ये बात जो जो भी उस घटना के साक्षी है, हर व्यक्ति के दिल में थी कि ये बात होनी बहुत जरूरी है। हो सकता मेरा कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन इसमें यहां लिखा है ना, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा कितना भी नुकसान, नेशन फर्स्ट, नेशन से बड़ा कोई भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरी जात है, ना मेरा धर्म है। इस देश में अगर हमारा सबका कोई नेता है तो हमारा तिरंगा झंडा है, जिसके सामने हम मरने मारने को भी तैयार है। तो दोस्तों ये सब चीजें जो भी देश के लिए जरूरी थी, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने, आपको ऐसा लगता है अगर योजना ठीक नहीं होती तो उसको चलने देते क्या? एक मिनट भी चलने नहीं, तीनों की सहमति से ये योजना आगे बढ़ाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये आपको बताना थोड़ा सा जरूरी था। मुझे लगता है 15 लाख बोलकर नहीं आए, लेकिन 15 लाख अमाउंट जो है अलग अलग रूप में हमारे देश में आ गए हैं, हमारे खातों में आ गए हैं अलग अलग माध्यम से, जो मोदी जी ने सारी योजनाओं के तहत हमारे साथियों को, हमारे गरीब लोगों को, हमारे लोगों के बीच में पहुंचा दिया है। तो आप 15 लाख उस रूप में भी देख सकते हैं कि वो 15 लाख अलग अलग रूप में हम तक पहुँच चुका है। ये बात आगे तक, ये 15 लाख रुपये में मेरे लिए तो क्या है कि हम लोग ए पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, ये बात बोल सकता हूँ। जो फिलहाल पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने सामने बोला है कि जो सिंगल विंडो की चीज़ें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा असर करती हैं देश की जीत में। मुझे लगता है आम आदमी की जीत होना बहुत ज़रूरी है। पार्टी ए जीते, पार्टी बी जीते, लेकिन एक जो, जब एक आदमी को लगता है कि हमारी जीत हुई, आम आदमी को लगता है हमारी जीत हुई, या जो करा सकता है हमारी जीत, उस आदमी को आगे ला खड़ा करता है। तो बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बड़ी बन जाती हैं, और उन बड़ी चीज़ों को हम लोगों को बाद में असर पता चलता है। मेरे हिसाब से तो बात 15 लाख रुपए की नहीं है, बात यह है कि हम लोगों ने और सारी चीज़ें जो देखी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीत है। और हमारा बोलने का ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमको कुछ जाहिर करने का प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझ में आता है कि ये रुख ठीक हुआ है या यहाँ पे और सुधार चाहिए। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मुझे लगता है कि इंटरैक्टिव प्रोसेस होना बड़ा ज़रूरी है। आशु जी, एक और सवाल आपसे कि हाल ही में अभी मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग गए थे मोदी जी से मिले थे, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हम तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन इंडस्ट्री की जो है वो बहुत अच्छी होती है। मैं ये कहा कि हर इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्निंग बॉडी से होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे सरकार अगर पहल करती है किसी चीज़ को तो लाभ होता है, और अगर हमको लाभ होगा तो हर आदमी को लाभ होगा, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है। हमारी इंडस्ट्री की वजह से टूरिज़्म बहुत बढ़ता है, लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री प्रोग्रेस करती है तो कंट्री का प्रोग्रेस होता है। मैं वसीम नकवी और इंतशाब भाई और उनकी पूरी टीम को आज धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया का, और उन्होंने वही माध्यम जो हर युवा पीढ़ी आज इस्तेमाल करती है, किसी के हाथ में कुछ होना हो लेकिन मोबाइल ज़रूर होता है, और उस माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म से इन्होंने ये आज यहाँ पर ये चीज़ रखी है कि हर आदमी, हर देश का युवा अपनी अपनी यहाँ पर राय दे सकता है।
मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ वसीम नकवी साहब को और उनकी टीम को। थैंक यू। मोदी जी के जीत में देश की जीत है और मैं वसीम नकवी साहब को उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो डिजिटल इंडिया मोदी जी लेकर के चले हैं, डिजिटल भारत का सपना उन्होंने जो देखा है और लोगों को दिखाया, युवा पीढ़ी के लिए इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और मुझे लगता है अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक ढंग से अपना बारे में बता सकते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पोस्टर पे दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे उपस्थित दूसरी पार्टी के लोग नहीं है, इस बारे में क्या? अभी से गायब है, उनको अपनी हार के बारे में पता चल चुका है इसलिए वो मीडिया को या लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जाके जवाब क्या देंगे, उनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं। 55 साल उन्होंने इस देश पे हुकूमत किया, फिर भी वो खुद आज कहते हैं कि देश जो है बेरोजगार है, देश जो है तरक्की नहीं कर रहा है, तो ये कसूरवार तो वो खुद है इसलिए वो गायब है। जी, इस बात का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। दरअसल हमने इनविटेशन भेजा था, कांग्रेस को भी इनविटेशन गया था मगर वहाँ से कोई आया नहीं, और बीजेपी हमेशा मीडिया को फेस करने के लिए तैयार रहती है, तो बीजेपी के लोग यहाँ पे हैं और हमारा आमंत्रण है उनके लिए कि अगर वो आना चाहते हैं तो बेशक इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी बात रखें। इस प्रकार का कंसेप्ट कैसे ध्यान में आया आपको शुरू करने? सर, कॉन्सेप्ट तो यह है कि दिल में जो है वो देश की जीत बसती है और इसलिए ये सोचा गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो सिर्फ देश की जीत की बात करे, जो धर्म और मजहब से ऊपर उठे, मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठे और अमीरी और गरीबी से ऊपर उठे, जो अमीर देश को देश की जीत करा रहा है वो भी देश की जीत करा रहा है और जो गरीब किसान देश की जीत करा रहा है वो भी देश की जीत करा रहा है। सो कॉन्सेप्ट यह है कि देश की जीत होगी तो हम सब की जीत होगी और इसी को सोचते हुए ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है। कल से जब भी मैसेज घूम रहा था आपकी वेबसाइट लॉन्चिंग का, तभी से एक और भी आरोप उस पे लग रहे थे कि बीजेपी ने ही शुरू करा रही है मोदी जी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे? सर देखिए, आरोप प्रतिरोप का सिलसिला जारी रहेगा मगर ये दिस इज द मोस्ट बायस साइट आई कैन से। अगर किसी को किसी तरीके की आपत्ति है तो वो बैक एंड पैनल में जाके चेक कर सकता है, इट इज अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म और जब वेबसाइट पे लोग वोटिंग करना शुरू करेंगे सवाल होंगे मगर हम हर सवाल के जवाब के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं और वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट पे हम देश की जीत की बात करेंगे और जो आरोप लगेंगे उनका हम जवाब देंगे। मगर दो ही चेहरे इसलिए क्योंकि अभी तो बात दो ही चेहरों की हो रही है, महागठबंधन में किसका चेहरा निकल के आता है वो हमारे सामने है नहीं और दूसरी रूलिंग पार्टी जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की उसमें राहुल जी को अपना चेहरा बना रखा है। सो मोदी जी और राहुल जी को हम लोगों ने लिया है, बाकी जो इधर उधर की पार्टीज हैं उनके बारे में जैसा जैसा रुझान आता रहेगा वैसा वैसा हम लोग वेबसाइट पे ऐड करते रहेंगे। चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल पे बैन लगा हुआ है, ऐसे में आपकी वेबसाइट कितनी अहम योगदान करेगी आने वाले दिनों में इस तरह? बिल्कुल सर, देखिए ओपिनियन पोल पे जो है वो बैन लगा हुआ है मगर ओपिनियन पोल में जो चीज़ें हैं वो इतनी क्रिस्टल क्लियर होती नहीं है मगर वेबसाइट की जब मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से हम इलेक्शन में अपनी उंगली पे एक लाइन लगा के जो है वो इस बात का सबूत देते हैं कि मैंने वोट दे रखा है, इसी तरीके से इस वेबसाइट पे एक आईपी से एक कंप्यूटर से एक ही आदमी जो है वोट कर सकता है। सो ऑथेंटिक है और सारे नियम कानूनों को मद्देनजर रखते हुए ये वेबसाइट बनाई गई है। So, देखते हैं आगे कैसा रुझान आता है। फेक आईडी बना के वोटिंग ज्यादा नहीं की जा सकती? बिल्कुल, पूरी तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया, हमारे डेवलपर ने पूरी टेक टीम ने इस पे काम किया है कि वेबसाइट को हैक ना किया जा सके और अगर कुछ ऐसा हैकिंग अटैक होता है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। नहीं, ममता जी की तो सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, जो सरकार अपने राज्य को लेकर के केंद्र से वॉर करने पे उतर आए, जो केंद्र की माने ही नहीं, जो मनमानी करे, जो अपने यहाँ के पॉलिटिकल लोग चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, जो भी उनके खिलाफ़ बोलता है उनकी हत्याएं हो जाती है, किसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को वो आने की बैन लगा देती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई वेस्ट बंगाल नहीं है, ये कोई नया पाकिस्तान बन रहा है। तो मुझे लगता है कि देश की परिस्थिति ज़्यादा बिगड़े उससे पहले तुरंत ही ममता की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और ये जितने भी नारदा सारदा के जो घोटालेबाज है जिनको ये प्रोटेक्ट कर रही है, इसका काम है जो गरीब इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे सारदा नारदा में 40,000 करोड़ रुपए, जो सैकड़ों आत्महत्याएं हुई हैं, लोगों ने अपना सारा का सारा पैसा इसमें लगा दिया,
उस पैसे को वापस करवाने की जगह पे ममता जो घोटालेबाज है उनको बचा रही है, उसके सरकार खुद लिप्त है। आपको एक बात बताता हूँ, उनके जो मंत्री हैं मुकुल राय जी वो भी तो उसी में लिप्त। नहीं सुने ना, ममता बनर्जी की पेंटिंग इस शारदा वाले ने 100 करोड़ रुपए में खरीदी। अब ये ऐसी कौन सी बड़ी पेंटर है कि 100 करोड़ रुपए में इनकी पेंटिंग खरीदी? तो ये जो विषय है ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस विषय के ऊपर काम करना चाहिए और तुरंत ही ममता की जो घोटालेबाज सरकार है उसको बर्खास्त करना चाहिए।